मुझे लगता है कि इतना तो कोर्ट ने माना है कि जहां जन्म हुआ है रघुनाथ अपने रामलला का, तो रामलला का पूजा स्थान उन्होंने माना है। जन्मभूमि करके तो निर्णय नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने कहा कि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और ये सिद्ध हो चुका है कि वहां जो अभिशेष मिले हुए हैं वो भी हिंदू से ही संबंधित थे, हिंदू की जो संस्कृति और हिंदू जो कह रहे हैं वो इस प्रकार के अभिशेष भी मिले हैं उसके आधार पर, और पूजा लगातार करते रहे हैं। और बाहर पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि रेलिंग लग गई है, अब रेलिंग खुल गई, फैसला हो गया, तो हमें लगता है, पूर्ण विश्वास है कि रघुनाथ जी की जो पूजा जन्म स्थली है, रामलला का मंदिर है, वहां पर पूजा करने का, आराधना करने का और उसके दर्शन करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त होगा। जहां तक मुस्लिम समुदाय की बात है, एक बात कही गई है कि उनको कम 5 एकड़ भूमि उनको भी जो है उपलब्ध करवाई जाए, सरकार उपलब्ध करवाए। मुझे लगता है कि उनको भी इस बात को मानना चाहिए क्योंकि अल्लाह का भी ये कहना है कि विवादित जगह पर अगर मस्जिद बनती है तो वो अल्लाह को भी मंजूर नहीं होती। तो सर्वसम्मति निर्णय हो और दोनों अपनी अपनी पूजा पद्धति अपने अपने स्थान पर चलाएं तो ये देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है। इसलिए मैं ऑन द फेस ऑफ इट इस निर्णय का स्वागत करता हूं।